हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा ब्लॉग एंड शॉर्ट पर स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी आप आज स्पेशल ब्लॉग है कि आज मेरे मतलब पतिदेव बना रहे हिलिस माछ, मतलब भापा हिलिस जो इस टाइम में मिलता है। भापा हिलिस कोलकाता में लोग खाता है, इस टाइम सबके घर में एक बार ज़रूर बनता है ये भापा हिलिस। तो आज वही बना है मतलब अभी बनने वाला है, पत्ती स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको दिखाएंगे अभी कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। पर फुल तो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा कर, क्योंकि फिर क्या होता है ना, बनाने के समय आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, कैमरा करते रहते तो पत्ती थोड़ा ये हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे वहाँ पर। आप तो जानते हो ये बहुत मटन से भी ज़्यादा महंगा होता है भापा हिलिस जो बंगाली लोग खाते हैं। और ये सरसों के मसाला में, मतलब पीला सरसों काला सरसों में बनाया जाता है, और इसे भूजना वूजना नहीं पड़ता जैसे हम बाकी मछली फ्राई करते हैं, उसके बाद मसाले को भी भूजते हैं, तो ऐसे बनता है। तो पर इसको ऐसे नहीं बनाना है, बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा ये, बिल्कुल फ्राई, ये क्या बोलते हैं, बस भाप के, इसका नाम इसलिए भापा इली से भाप बनता है। तो प्रोसेस आपको दिखाएंगे। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे है प्रोसेस, तो हमारे हस्बैंड कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे। और वैसे तो मैं ये मछली खाती नहीं हूँ क्योंकि इसमें कांटा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं ये मछली खाती नहीं हूँ, पर मेरे घर में लोग खाते हैं। तो अभी आपको जाऊँगी मैं, दिखाऊँगी कि कहाँ तक हुआ, और साथ में आपको बन जाने के बाद भी आपको दिखाऊँगी कैसा दिखता है बन जाने के बाद। और ये बहुत जो लोग खाते हैं उन लोगों को बहुत टेस्टी लगता है, लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा ही है। पर मैं नहीं खाती, ये बात है कि मैंने कहा। और इसका माथा आप जानते हो, जिसका क्या बोलते हैं इलिस माछ का माथा में कुछ नहीं रहता, कोई गुद्दा वुद्दा नहीं रहता, नॉर्मल थोड़ा सा रहता है उसमें, लेकिन कुछ रहता नहीं है। पर जब भाप वो इंग्लिश मास बनता है उस वक्त उसका माथा नहीं यूज होता है। तो ये देखिए, मेरा हस्बैंड मैगनेट करके रख दिया है, हल्दी और नमक डाला हुआ है, और ये है भापा हिलिस, इसका पीस कटा हुआ है। और यहाँ अभी डला रहा है, ये क्या है, पोस्ता, ये क्या बोलते हैं, तो ये है पोस्ता, और इसमें पोस्ता डला रहा है, इसमें पीला सरसों डलाएगा, और यहाँ पर बगल में देखिए काला सरसों भी रखा हुआ है, तो ये भी उसमें डला जाएगा, पीला और काला दोनों सरसों रहेगा, और इसका पेस्ट बन जाएगा। तो इसके लिए अभी पानी में फुला दिया जाएगा, पानी में डालेंगे। आप इसे तो मैं कैसे जानती हूँ, मैं हस्बैंड के साथ देखते कैसे वो बनाते हैं, पहले भी बहुत बार बना है। तो ये देखिए पानी में होकर और पीस के रेडी कर देंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया था, तो पहले हस्बैंड कर रहे कढ़ाई में थोड़ा सा इसको बॉयल कर दे रहे, बॉयल करने के बाद वहाँ पर देखिए गर्म पानी रखे थे, मैं उठा के देख रही थी, तो और उसके बाद ये टिफिन में शिफ्ट हो गया है। हरा मिर्चा भी डाला गया है ऊपर से, और इसमें तेल, सरसों वाला तेल डाला गया, इसमें रिफाइंड तेल मत डालिएगा, सरसों तेल डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा बनेगा, बाकी आपकी मर्जी है, पर सरसों तेल में बनता है। और ये सरसों तेल में ज़्यादा, और उसमें वो भी एक ढक्कन से डेढ़ ढक्कन डालना होता है, ज़्यादा भी नहीं, एक ढक्कन डाली ऐसे ना बेटी। और इसके बाद ढक के कढ़ाई इसमें डाल दिया गया है, पानी गर्म हो गया है, और टिफिन को रख दिया जाएगा। ये देखिए टिफिन में अब ये ढक कर ये कुछ देर, मतलब कम से कम 20 से 25 मिनट तक शायद होगा। तो गाइस आप देख लीजिए मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, और फटाफट रेडी भी हो गया है, थोड़ी देर में खाना निकालूंगी और उसके बाद खाऊंगी, और अब सो जाएंगे हम लोग क्योंकि उठे हुए हैं सुबह से, बच्चे लोग स्कूल गया, स्कूल से आ गया, तो अब जाके हम लोग खाना खाओगे, अब सो जाएंगे। तो उम्मीद है देखिए भापा हिलिस बन गया है, और ये देखिए लौंका, और ये है मछली, और इसके साथ चावल, और अब हमारे पतिदेव खाएंगे। तो अब खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी देते हैं उनको खाना, रेडी हो गया है, और खाना निकाल दिए इनको देने के लिए, तो अभी खाने के बाद आपसे मिलते हैं। सबको ब्लॉग अच्छा लगा हो, नंगा आ गया निकाल, बोले नंगा आ गया तो
तो अभी देखो बच्चे लोग बोलेंगे बताओ ए आज का ब्लॉग कैसा लगा बोलो बुटू तो अब बताइए इसका भाषा किस किस को समझ आया कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। इसका बात समझना बहुत ही मुश्किल है। ये बोल रही है चैनल को सब्सक्राइब लाइक ऐसे बता रही है। ये बेटी को नहीं आता है बोलने, पता नहीं कब बोलेगी। पगली बेटी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।